अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थोड़ा माइक का इशू हो गया था तो इसलिए वॉइस ओवर डाल रहा हूँ, बाकी आप आगे देख लीजिए वीडियो। इन्हें कल इसका एग्जॉस्ट बाहर निकाला है। तो वैसे जो RS 200 आती है ना, इसमें एग्जॉस्ट आता है, NS में एग्जॉस्ट नहीं आता है, उसमें अंडर बेली आता है। तो आप साउंड सुन लो इसकी। सो ये देख लो, थोड़ा सा मॉडिफाई भी कराया है, ये येलो कलर का टेप लगाया है थोड़ा सा, मतलब अच्छा लग रहा है। अब ये नहीं पता कैमरा में कौन सा कलर आएगा इसका, बट सही है। ओ आगे से देख लो, रिंग लाइट भी लगाई है, आगे से ना सही लगती है यार। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनका ना RS 200 पे क्रश है, सारे लोगों के ना ड्रीम बाइक है। तेरी भी ड्रीम बाइक थी, ऐसी ली थी? साउंड है, साउंड सही आ रही है। तो चलो जी, आज बड़े टाइम के बाद मैं कोई दूसरी स्पोर्ट्स बाइक चला रहा हूँ। लगभग 42 जाती है पहले गियर में, तो ये बाइक जो है ना लगभग 24 BHP पावर प्रोड्यूस करती है। तो इसका इंजन 200 है, वो तो आप सबको पता होगा। तो 18.1 Nm टॉर्क के प्रोड्यूस करती है, मतलब अच्छी मशीन है। और ये ना स्पोर्ट्स टूरर है, ठीक है। तो आपको ना मतलब अगर आप लॉन्ग राइड्स भी करते हो तो इस पर उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि मैंने एक दो बार यही बाइक अपने साथ जम्मू ली है तो मेरे को उतनी प्रॉब्लम नहीं आई, सामान भी पीछे था। तो जितना मतलब बाकी अगर आप KTM RC लेते हो 200 तो उस पर ज़्यादा दिक्कत आती है, बट इस बाइक पर उतनी दिक्कत नहीं आती है। अबे क्यों डर रहा है? तो चलो थोड़ा सा इसको भगाते हैं और थोड़ा सा देखते हैं फर्स्ट गियर में कितना करेगी और सेकेंड गियर में। तो अभी इसका सेकंड गियर लगा है, 60 कुछ जाती है सेकंड गियर में, 83 थर्ड गियर। फोर्थ गियर, फोर्थ लगभग फिफ्थ गियर में ना 120 तक चली जाती है। बट हमारे यहाँ पे ना थोड़ी ना रोड की प्रॉब्लम है, सो उस चक्कर में ना हम पूरा टॉप एंड नहीं निकाल सकते हैं बाइक्स का। मतलब अच्छे किक है यार, बट जो ड्यूक 200 है ना उसमें थोड़ी सी ज़्यादा पावर है। वन ट्वेंटी सेवन वन थर्टी, वाओ सही पावर है यार। अगर कोई सोचता है ना इस बाइक के बारे में ना मतलब लेनी है, तो आंख बंद करके ये बाइक ले लो। मतलब ये ना आपको एक तो माइलेज भी इसका ठीक ठाक ही है और पिकअप भी ठीक है, मतलब वो ना बोर नहीं करेगी आपको ये बाइक। और अगर आपको टूरिंग भी करनी है साथ साथ तो कोई बात नहीं, मतलब इजीली कर सकते हो। माइलेज कितना देती है? मतलब चलाने पर डिपेंड करता है, माइलेज भी इसका ठीक है। इस टाइम तो मैं आगे जाऊंगा। अबे मुझे ना ड्यूक वापस निकालनी पड़ेगी तेरे लिए। ड्यूक होती तो ड्यूक पे आगे नहीं जाता। ड्यूक पे आगे पता है कब जाता है? जब 134 क्रॉस करते हैं ना, क्योंकि जो ड्यूक में स्पीड आती है उतनी ही आती है, तो ये तो चली जाती है। टॉप स्पीड कितनी की तूने? टॉप एंड कितना किया? 142 152। तो ये जाती है 152, बट ड्यूक जो है ना वो 134 के ऊपर नहीं जाती है। अब तो मुझे ड्यूक निकालनी पड़ेगी। अगर सीरियसली आपको ये RS 200 लेनी होगी ना, किसी को कोई इसका सोच रहा होगा तो लेना,
मतलब आंखें बंद करके ले जाओ तो पल्सर है, इसमें पार्ट्स भी उतने महंगे नहीं आते हैं, तो सर्विस कॉस्ट भी उतना महंगा नहीं है। तो अगर आप ड्यूक केटीएम की कोई बाइक लेते हो उनमें ना थोड़े से महंगे पार्ट्स आते हैं, तो ये तो सही है। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो फिर तो ये बाइक आपके लिए सही है। अब हम चल रहे हैं ऑफ रोड में, अब बोलूँगा सहीब को आप रेस लगा अब तो ये आराम से चलेगा। आप लगा रेस, आप लगा रेस क्या टायर वाले? कौन से टायर वाले यार, हवाई ये टायर नहीं, खिंची नहीं रही है। हाँ हाँ आगे देखते हैं। ऑफ रोड पे तो हमारी बीस्ट बीस्ट है वो यार। मुझे लगता है ना बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि एंगल थोड़ा सही नहीं आ रहा होगा, वो एंगल का इशू नहीं है, मैं सैडलिंग कर रहा होता हूँ सो उस वजह से वो आपको एंगल वैसे दिखता है। जैसे अभी मैं ऊपर उठाऊँ साउंड देख लो एग्जॉस्ट के बगैर कैसी आ रही है। ये देख लो, अब जब से ना वो फोर वे बन गया है ना तब से ना ये जो रोड है यहाँ मतलब लड़के क्रिकेट ही खेलते रहते हैं। वाह, अपनी हिमालयन भी किससे कम नहीं है। आगे रुकना, जब भी मेरे साथ कोई सपोर्ट्स बाइक आती है ना मतलब इस कैटेगरी की 200 कैटेगरी 300 मुझे ना अपनी ड्यूक की याद आती है, क्योंकि 200 में ना वो सबका बाप है। मतलब अगर आपको पिकअप के मामले में किसी बाइक के साथ आप कंपेयर करो ना 200 में वो सबका बाप है। हाँ टॉप एंड में वो हार जाता है बट पिकअप में ना वो सबका बाप है। थोड़ा सा इनका भी शॉट्स दिखाते हैं, ये हाल देख लो कुछ, बड़े टाइम से बाइक दो ही नहीं है तो, बट कोई नहीं, इस बाइक का क्या मसला है, अगर आप इसको धोने के बगैर भी रखते हो ना तो फिर भी अच्छी ही लगती है क्योंकि एडवेंचर टाइप है तो इनमें ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी अपनी RS अच्छी बाइक है, किसी को भी लेनी होगी तो ले लो आँखें बंद करके। तो बाकी यार मुझे बोल सही है सर्विस कॉस्ट इसका कितना है? सर्विस कॉस्ट फर्स्ट सर्विस तो कोई 700-600 में हो जाती है, बिल्कुल कम आती है। देख मतलब बाकी बाइक्स के साथ अगर कंपेयर करेंगे ना तो उस हिसाब से बिल्कुल कम आती है। यार मैं अगर अपनी ड्यूक की बात करूँ ना, मेरी जो ड्यूक है ना उसमें 1600 का मुबले लाता है सिर्फ, इस पे तो कम से कम यही 600-700 का ऑयल पड़ता है। तो लेबर चार्जेस कितने लेते हैं? लेबर चार्जेस आई थिंक 600-500। मतलब ठीक, तो अगर मैं इसको KTM के साथ कंपेयर करूँ ना, मतलब मेरे पास ड्यूक है चाहे आप RC मतलब सेम ही है वो, बस वो सपोर्ट्स में आती है, ड्यूक नेकेड में आती है, तो इसका सर्विस कॉस्ट ना उससे कम है। बट उनका क्या है, जो मेरे पास ड्यूक है मैं उसके लिए मुबले लाता हूँ, लगभग 1600 का उसका मुबले लाता है, तो इसमें तो लगभग 1600 की सारी सर्विस होती होगी, ब्रेक शूज़ वगैरह सब कुछ है ना। आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो ना तो उतना खर्चा नहीं लगेगा आपको बाइक पे, मेरे कहने का वो मतलब है बजट में आ जाता है बंदे के, मतलब पॉकेट मनी। तू भी कॉलेज में ही है ना आजकल? कॉलेज में ही हूँ। सो चलो मैंने सोचा आज थोड़ा सा अपने पास RS आई है, बाई चांस अपने भाई मिल गए तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करता हूँ। तो ऐसी वीडियोज़ और आने वाली है, मतलब जब जब हमें नई कोई बाइक दिखेगी तो हम आपके लिए एक रिव्यू बनाया करेंगे, जितनी अपने पास नॉलेज है थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करना लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।